खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा वो दिल है हमारा आका हमारा 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 खलीफा हमारा वो दिल है हमारा आका हमारा Assalamu Alaikum and welcome to This Week with Huzoor. Today we are honoured to present highlights from the concluding session of Jalsa Salana Germany 2021 and a virtual mulakat with new converts in Canada that took place last weekend. We begin with Saturday's event where Hadr Khalifatul Masih, may Allah be his helper. Delivered the concluding address at the Jalsa Salana, Germany. Last weekend, Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, addressed the concluding session of Jalsa Salana, Germany, and held a virtual class with young converts to the Ahmadiyya Muslim Community in Canada. During his concluding address for the Germany Jalsa, delivered from Islamabad, Hazur spoke throughout about the true essence of righteousness. जलसा सराना में शामिल होने वाला हर जर्मन अहमदी, चाहे उसने जलसा गाह में आकर जलसा सुना या घर में बैठ कर जैसा सुना उसने अपने लिए एक साल का रूहानी माहदा जमा कर लिया अब उसकी जुगाली करना और उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना हर अहमदी का काम है बस आज कल के ज़माने में जबकि दुनियावी ख़्वाहिशात और चकाचून ने हर इंसान को घेरा हुआ है और शैतान हर तरफ़ से हमले की कोशिश कर रहा है और उसे ख़ुदा ताला से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है एक अहमदी का काम है कि अल्लाह ताला तर पाने की कोशिश करे और इसका बेहतरीन ज़रिया अल्लाह ताला की इबादत का हक़ अदा करना है। बुखारी में एक हदीस है कि जो शख़्स खुदा ताला से मोहब्बत का रबता पैदा कर लेता है खुदा ताला उसके आज़ा हो जाता है एक दूसरी रवायत में है कि उसकी दोस्ती यहाँ तक होती है कि मैं उसके हाथ पाऊँ वग़ैरह हती कि उसकी ज़ुबान हो जाता हूँ जिससे वो बोलता है फरमाया असल बात यह है कि जब इंसान जज्बात नफ़ से पाक हो जाता है और नफसानियत छोड़ कर खुदा के इरादों के अंदर चला जाता है उसका कोई फ़ेल नाजायज़ नहीं होता बल्कि हर एक फ़ेल खुदा के मंशा के मुाफ़िक होता है इससे भी बढ़ कर ये कि खुदा ताला उसे अपना फ़ेल ही करार देता है यानी कि इंसान का काम खुदा तला फरमाता है कि मेरा मुतकी काम जो है वो ऐसा ही है जितना अल्लाह ताला ना का अपना फेल है फरमाया को ये ना कहे कि कुफार के पास भी माल दौलत और अमलाक होते हैं बल्कि ज़्यादा होते हैं और वो अपनी ऐशो इशरत में मनहमिक और मस्त रहते हैं फरमाया मैं तुम्हें तो सच कहता हूँ कि वो दुनिया की आँख में बल्कि जलील दुनियादारों और ज़ाहिर प्रस्तों की आँख में खुश मालूम देते हैं मगर दरहकीकत वो एक जलन और दुख में उतरा होते हैं तुमने उनकी सूरत को देखा है मगर मैं ऐसे लोगों के कल्प पर निगाह रखता हूँ और बाकी इंसान जब गौर कर देखे बाद ऐसे लोगों को मिले तो पता लगता है कि दौलत ने उनको सुकून नहीं दिया बल्कि दौलत ने उनके अंदर एक और आग लगाई हुई है और कोई सुकून दिल उनको हासिल नहीं है अल्लाह ने अपनी खुशनुदगी हासिल करने वालों की एक ये निशानी भी बताई है कि वह तकबर नहीं करते तकबर एक बहुत बड़ी बीमारी है जिससे बचने की कोशिश करनी चाहिए अगर हम तकबुर की वजूहत तलाश करें तो एक बहुत बड़ी वजह फख्र करना नज़र आता है अपने आप को कुछ समझना अपनी ज़ात पर फख्र है अपनी कौमियत पर फख्र है अपनी दौलत पर फख्र है अपने इलम पर फख्र है अपनी औलाद पर फ्र है ये ज़्यादा औलाद होना या उसका लायक होना और इस तरह की मुख्तल चीज़ें हैं गुजरा दिनों बारिशों ने ही जर्मनी के बाद इलाकों में तबाही मिचा दी थी बड़े बड़े कद काट-काट के लोग उनको मैंने देखा है टी वी पर आते थे जो ये जो ये समझते हैं कि हम बड़े आराम से रह रहे हैं और हमें कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती उन्हें अल्लाह ताला ने बता दिया कि असल ज़ात मेरी है वही लोग जो लोगों को खाना खिलाने का ज़रिया बन रहे थे ख़ुद लाइन में लगे एक रोटी और एक टुकड़े के लिए भीख मांग रहे थे तो तकबर किस बात का है इस ज़माने में हमने मसीमत अलैहिस्सलाम की बैत करके आपसे एक अहद किया हुआ है और असल में आपकी बेहत में आकर अल्लाह ताला से येद किया है कि हम तेरे भेजे हुए की बेहत में आकर अपने अंदर एक इनकलाब पैदा करने के लिए तैयार हुए हैं और इसके लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं दुनियावी ख्वाहिशात और लालचों को छोड़ने का हम अहद करते हैं अपने दिलों को तकवा से भरने का हम द करते हैं बस हर हर अहमदी को इस सोच के साथ अपने जायज़े लेने की ज़रूरत है और जायज़ा लेना चाहिए एत बैत कोई मामूली अहद नहीं है अपने आप को बेचने का अहद है क्या हकीकत में हमने अपने आप को बेच दिया है अगर नहीं तो हम अभी तकवा के वो मैार हासिल नहीं कर सके जो एक मोमेंट के लिए ज़रूरी हैं अगर हमने बैत का अदा कर दिया तो एक, एक इनकलाब हम बहुत जल्द दुनिया में वबा होता देख लेंगे अल्लाह ताली हमें हजमसी की ख्वाहिशात के मुताबिक हकीीकी अहमदी बनने की तोफ़ी के तब फरमाए अब दुआ कर लें दालोइंग डे हज़ू अनवर में अल्लाह पेज होम्वर्थ इन कैनडा इच फैसन है And told their stories of how they had come to accept Ahmadiyyat. Assalamu alaikum, beloved Huzoor. Wa alaikum, <laughs> uh, When did uh, you accept Ahmadiyyat? I accepted last July. Last July. And why? I was going through a personal crisis uh, in my life, and uh, I had a co worker at work who um, provided me the.

तो आ, क्यों आपकी दुआएं चाहिए तो क्यों, क्यों क्यों जवा अहमदियत क्यों कबूल कर ली मुश्किल में डालने के लिए अपने आप को मैंने इसलिए कबूल की क्योंकि मुझे डर था हर इंसान ने मरना है ठीक है और मुझे था कि मैं अगर मर गया तो लाइक मुझे किसी ने बस एक रास्ता दिखाया कि अज़त इमाम मेदी हमारे उसमें आने वाले है, हमारे हैं हमारे सुनिए कि उसमें आने वाले हैं लेकिन अहमदियत में आ चुके हैं तो लाइक मैंने उसमें रीड किया पढ़ा मैंने काफ़ी बुक्स वगैरह पढ़ी रीड किया उनको और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक्सेप्ट करनी चाहिए अहमदियत और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक्सेप्ट की और बस अच्छा। दुआ दुआ करिए मेरी फैमिली के लिए खासकर मेरी मदर के लिए मैं उनके लिए बहुत परेशान हूँ अपनी मदर के लिए तो अल्लाह फजल करे थैंक यू सो मच जजाक हजूर अलैक्म बिलावर हजूर मैं सर जी हूँ आई एव एक्सेप्टेड अमिडियत इन अप्रैल ऑफ 2018 अप्रैल 2018 18 Um, uh, at the time, I felt a bit like I was a bit of a lost soul, and I wanted to be part of a community. And um, I attended a few Jalsa Salanas here, and I noticed the welcoming members. And I, your uh, religion is uh, from Christianity. Yes, it is. Yes. Okay, then. What made you join? I, I met a friend at my university that I went to, and uh, they invited me to Jalsa Salanas, and I came for two years in a row. And um, one of them I actually saw when you attended in Canada in 2016, and I really liked the slogan, as some of the other brothers mentioned, that "love for all, hatred for none," and I wanted to be part of a community who, uh, you know, inspired other communities as well. Okay, <laughs> Allah bless you. alaikum Masur. Al -Islam. Mark, sahib, Then, what do you say? Why did you accept Ahmadiyyat? Uh, I I accepted Ahmadiyyat because um, when I was in the Philippines, uh, I researched a lot of uh, uh, religion because I feel lost from Christianity before as well. Mm. So your background, background your background is Christianity? Yes. And then when I came in in Canada, uh, I met I met this guy. Uh, he is, he's my co-worker before. And he introduced me to Ahmadiyya. I debated him a lot with everything. And he introduced me and then I accepted Ahmadiyya last July 18th, uh, July 1st, 2018. alaikum beloved Hazur. My name is Sadat, Ach. and I joined the Jamaat last uh, Ramadan in 2020. Acha. So, why did you join Ahmadiyyat? I have been like in the last 15 years debating with some Ahmadi friends, and Achha. How old are you? थोड़ा थोड़ा होता था तो असल में शुरू में की तरफ जा रहा था फिर अच्छा। एथम से कुछ दोस्तों ने कन्विन्स किया कि नहीं वो गलत रास्ता है दिमाग भी नहीं मानता था लेकिन बाकी इस्लाम की बातें तो ठीक थी लेकिन बाकी इस्लाम को देखता था तो उस हिसाब से प्रॉब्लम इस्लाम इस्लाम की बातें तो ठीक नज़र आती थी लेकिन लेकिन अमल सही नज़र नहीं आते थे बिल्कुल सही बिल्कुल सही फिर और उसी वजह से जब मैंने मेरे दोस्त मिला मुझे मलेशिया में एक अहमदी दोस्त था उसको मैंने देखा तो उसमें मैंने अमल देखा बाकी सब उसके साथ डिबेट करने आते थे तो एक तरीके से मैंने देखा कि वो काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल करता था और उसके आर्ग्यूमेंट्स भी जो थे वो सेंसिबल थे बाकियों के जो थे वो बात मुझे समझ नहीं आ रही थी जब मैं कनाडा आया तो तब मैं थोड़ा सा एथिज्म की तरफ वापस चला गया था लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं वो वो गलत रास्ता है और फिर मैं कैलगरी में रबी साहब से मिला फिर थोड़ा बहुत बातचीत थो हुई और लास्ट जब रमज़ान रमज़ान में काफ़ी अजीब सा मामला हो रहा था क्योंकि कोविड आ गया था और मेंटली तौर पे मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे अब अपना रास्ता चुनना चाहिए सही तरीके से और मैं डरता क्यों हूँ तो मैंने अहमदियत चुन ली अच्छा माशा ठीक है चलो अभी बैठा बिल्लव माई नेम इज़ केवल गांधी आई एम फ्राम इंडिया इन स्विट्जरलैंड एंड मूव टू कैनाडाउज एंड एटीन एंड आई आई एक्सेप्टेड अहमदिया डे बिफोर येस्ट डे Uh-huh. Just newborn. Yes. <laughs> Acha? So, why? Um, I was an atheist uh, before accepting Amadiyya, uh, so I did not b believe in any kind of gods, but I believe that there is always one power that controls the world. And then in 2018, when I came to Canada to do my master's, my professor uh, is Ahmadiyya, uh, Dr. Lotfi Belkir. And uh, he told me that everything is controlled by a power, but that power is God. I had my debates uh, because uh, I believe science has made everything, but then after doing thorough research, um, I, I believe that there is God, and there's only one God, and um, I, and Islam is one religion that said that there is only one God, and specifically Ahmadiyya, because uh, there are other religions who can kill each other for protecting their religion, but for, for you, religion. Can, you, can, you can say for no reason? Yeah, for no reason. They can kill each other. They not they can kill each other. They kill each other, not only can yes. they. They kill each other for no reason. <laughs> okay. Yes. So Ahmadiyya yeah. is one religion, even though it's a part of Islam. It's non-violent, and uh, I believe uh, that's the path forward for the world to have a peaceful future for everyone. And that's why I accepted Ahmadiyya. Achha, mashallah mashaAllah Allah, give you strength and you. be steadfast in Ahmadiyyat. Thank you. Jazakallah. Okay, next. Assalamu alaikum, Hazur. My name is Aubrey Baker, and I accepted Ahmadiyya uh, three months ago. Why? Um, growing up, uh, so I, I was originally born in Karachi, Pakistan. And then in uh, two years later, after I was born, we moved to Abu Dhabi in uh, the United Arab Emirates. And I was brought up in a Catholic family. And um, while uh, the Catholic Church spoke a lot about love and uh, acceptance as well. Like they didn't treat us that way. Like um, I went to a convent school, and even the nuns and priests and everyone, like they were very, their their uh, practice was very much against their teachings. And um, in uh, two thousand and five, my family uh, converted into another denomination of Christianity. Um, but even then, I didn't feel drawn in and um, when i came here in 2015, uh, i lost my faith. i didn't really believe in anything. and um, a few years later, i, I met a lot of mda friends. and just feeling the love and acceptance and the, the love for all, i actually felt it through them and your community. and that's why i was drawn in. Achha, mashallah. so you came to know about mda through your friends? yes, last year. and now I'm also engaged to one of my friend's uh, sisters. Acha, mashallah. You not yet married? No, not yet, no. Okay. Allah bless your marriage. Thank you. Thank you so much. Okay. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Yeah, Wa alaikum. Wa alaikum. और आ, मैंने 2019 के end में बैत की थी अच्छा जी मेरा छोटा सा सवाल है बस कि इस्लाम में जो खिलाफत है और जो खलीफा का स्टेटस है इसकी जो हैसियत है वो मजहबी और सियासी तौर पर कुरान और हदीस की रूह से आप अगर शॉर्टली बयान कर दें बात यह है कि ये जो मौजूदा खिलाफत है जो इमाम मेदी के आने के साथ शुरू होनी थी उनके आगे होने थे वो रूहानी खिलाफत है ठीक है और मजहबी और दीनी खिलाफत है इसका दुनियावी चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है बाद अम्बिया पुराने ज़माने में भी आए जिनको हुकूमतें मिली और बाद ऐसे थे जो हकूमतों के बगैर रहे ठीक है उनको ही हुकूमतें मिली हतीसा इस्लाम को कौन सी हुकूमत मिली थी जो ईसाइयों के बादशाह थे नबी थे तीन सौ दस साल के बाद उनको ईसाई जो रोमन बादशाह नेसाई कबूल की तभी आगे खुल के ईसाइत की तब्लीग होनी शुरू हुई और ईसाइत फैली तो बहरहाल जो अहमदिया खिलाफत है वो एक रूहानी खिलाफत है हाँ इस खिलाफत में बादशाह या सदरान जो है हकूमत वो अहमदियत तो और इस्लाम कबूल करेंगे इसलिए मसीमाम को अल्लाह तलामन भी फ़रमाया कि बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूँढेंगे मतलब यह था कि तुम्हारी जो रूहानी बादशाहत है वो कायम रहेगी और दुनियावी बादशाह हैं वो तुम्हारे से बरकत हासिल करते रहेंगे इसी तरह कुरान सूरह हजरात में लिखा हुआ है कि जब दो मुसलमान ग्रोह और हुकूमतें लड़ पड़ें तो उनमें सुलह कराओ इसका मतलब ये था कि एक ज़माना आएगा उस वक़्त तो जब कुरान शरीफ नादल हुआ है तो एक मुसलमान हुकूमत थी वहाँ दो हुकूमतों का सवाल ही नहीं था या ग्रोह ग्रोहों का सवाल ही नहीं था उस वक़्त बड़ा खुल के बड़ा वाज़े है कि इनकी सुलह कराओ और उनमें आपस में जो दूसरी साथ वाले हमसायब हैं उनको रोकें जो म है उसको हाथ रोकें और जब वो जंग ख़त्म हो जाए लड़ाई ख़त्म हो जाए सुलह हो जाए तो फिर किसी परुलम ना किया जाए जो शक एक एक हुकूमत की तरफ से ज़्यादी भी हुई है तब भी उस पर म ना किया जाए सुलह हो गई सुलह हो गई तो सुलह सफाई से रहो और अगर वो दोबारा हमला करें तो फिर सब मिलके सब मिलके फिर उसको रोको इसका मतलब ये था कि एक दुनियावी हुकूमतें कायम रहेंगी अपनी जगह और उनके लिए हुक्म यह है कि उन पर सुलह करवाओ लेकिन उनकी जो दीनी और इल्मी और रूहानी जहाँ तक तालीम और तरक्की का सवाल है वो खिलाफत के जरिए से होगा या मुसी मौत के जरिए से होगा तो ये चीज़ साबित करती है कि अब जो ज़माना है उसमें रूहान खिलाफत का तल्लक सिर्फ़ रूहानीत से और दीन से है हाँ बादशाह जो हैं मुख्तफ़ हुकूमतों के होंगे इस्लामी हुकूमतों के भी होंगे वो रूहानी तौर पर भी रहनमाई लेते रहेंगे और हो सकता है बाद दूसरे मामलों में भी खलीफा वक्से रहनमाई लेते रहें लेकिन दुनियावी बादशाह अब खिलाफत के पास नहीं हैं हाँ दुनियावी बादशाह उसके मतहत ज़रूर हैं रूहानी लिहाज से ठीक है जी हाँ और एक और सवाल अगर इजाज़त दें तो अब वक्त तो ख़त्म हो गया कि कर लें हल्का सा सवाल है अगर तो छोटा सा ही सवाल है कि जो मेन स्ट्रीम मुस्लिम्स हैं पूरी दुनिया में जमात की नज़र में उनका क्या स्टेटस है और उनके साथ पूरी दुनिया में जहाँ पर भी जो भी सलूक हो रहा है वो उन पर अजाब है या वो ज्यादी है उनके साथ जुल्म है ये छोटा सा सवाल तो नहीं बहुत बड़ा सवाल है <laughs> सवाल छोटा है पर जवाब इसका बड़ा है बात यह है कि जो मेन स्ट्रीम मुस्लिम है आदरत सल्ला व्ल् ने फरमाया कि जो कहता है ला इला ला ला मोहम्मद रसुल्ला भी बात नहीं की जो कहता है ला ला वो मुसलमान है तो जो ला इला ला ला मोहम्मद रसुल्ला कहते हैं हम तो उस मुसलमान ही कहते हैं हाँ वो ज़माने के इमाम और मसीह मौत को के इनकारी और मुनकर हैं इस लिहाज से अगर हम उनको कहते हैं कि तुम मुनकरो तो वो इनकारी अगर हैं तो वो मसीह मऊद के हैं और वो मसीह मऊद जिसके पेश गोई हाँ ने फरमाई और जिसकी पेश गोई जमा में कुरान करीम ने फरमाई और जगहों पर भी फरमाई तो इस लिहाज से वो मुनकरीन हैं लेकिन कलमा पढ़ने की रूह से जहाँ एक वसी जो तर तारीफ है इस्लाम की उसके तहत वो मुसलमान हैं ठीक है हम उनको गैर मुस्लिम नहीं कहते क्योंकि वहाँ दस को मानते हैं दूसरा बात यह है कि जो कुछ हो रहा है उनके साथ ये क्या हो रहा है अल्लाह ताला का तो वादा था कि जब मुसलमान काफिरों का, से लड़ाई करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी मदद करेगा और वो जीतेंगे यही वादा था और यही इस्लामी तारीख में हमने देखा खिलाफत राशद के ज़माने में यही देखा आजकल मैं खुद बात दे रहा हूँ बदरी साहबा पे तो उनमें खुदा का जिक्र चल रहा है हज़रतमर का जिक्र चल रहा है इसी में ज़्यादातर फतूहत हुई यहाँ हमने देखा कि किस तरह की कि बड़ी बड़ी हुकूमतें टकराईं लेकिन अल्लाह ताला का वादा था इसलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतः था फरमाई ठीक तो ये चीज़ है कि जो बात तो है कि अगर मुसलमान अल्लाह ताली की खातर लड़ रहे हैं तो उनकी फतवाहत होनी चाहिए जो नहीं हो रही नंबर एक दूसरे ये है कि मुसलमान इस वक्त काफरों से लड़ भी नहीं रहे मुसलमान तो मुसलमान से लड़ रहा है कई एक जगह भी बताएं हैं सवाए इसके कि फ़लस्तनी और इसराइली में यहूदियों के साथ जब लड़ रहे हैं उसके अलावा या कश्मीर में आप कहते हैं कुछ हद तक हिंदुस्तान के साथ लड़ाई कर रहे हैं उसके अलावा अक्सर दुनिया में जो फितना और फसाद और लड़ाई है मुसलमानों की वो मुसलमानों के साथ है एक फ़िरका दूसरे फ़िरके से लड़ रहा है एक तबका एक पार्टी दूसरे तो पार्टी से लड़ रही है तालिबान ने कह दिया जब हमने फतह मक्का कर लिया और फतह मक्का का किया माँ को काफ़र थे जिनको फतह किया इन्होंने वो भी मुसलमान थे ला लाह मोहम्मद रसूल पढ़ने वाले थे तालिबान भी वही कलमा पढ़ने वाले हैं तो किस किस चीज़ से फतह मक्का हो गया तो ये तो मुसलमान मुसलमान को मार रहा है और यहाँ फिर ये इस सूरत में अल्लाह ताला फिर कहता है मैं सजा दूंगा जब तो मुसलमान कुरान शीम में बड़ा वादे लिखा हुआ है कि एक ना हक मुसलमान का कत्ल जो है वो दोनों जहन्नम में लेके जाएगा ठीक है आ अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने जब एक शख्स को कत्ल लड़ लड़ाई में जब उसने तलवार के खौफ से कलमा पढ़ लिया तब भी कत्ल कर दिया और फिर जो हज़र सल्ली को ख़बर पहुँची तो आप बड़े सख्त नाराज़ हुए उन्होंने कहा जी उसने तलवार के खौफ से कलमा पढ़ा था उन्होंने कहा तुमने चीर के देखा था उसका तुमने किस खौफ से कलमा पढ़ा था तो इस हद तक तो सख्ती है कि मुसलमान मुसलमान को कत्ल नहीं करे ठीक उसके बावजूद अगर ये करते हैं तो उसको मेरे मुझे इसका बारे में फतवा देने की क्या ज़रूरत है खुद अल्लाह त जो अमल है वो ज़ाहिर कर रहा है कि ये उनके ऊपर सज़ा है या उनके अल्लाह तजी है यह आप ख़ुद फैसला कर सकते हैं बल्कि उनका जो फेल इशादत अल्ल तुद बता रही है कि ये क्या है मुझे इसके बारे में कोई राय देने की ज़रूरत थी कोई नहीं नहीं जैसे बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों को कत्ल किया गया और उन पर जुल्म किया गया और दुनिया के दूसरे खितों में फिर मुसलमान अगर यूनिटी होती मुसलमानों में चौवन मुल्क हैं इस्लाम मुसलमानों के और अमीर अमीर मुल्क भी हैं वो क्यों नहीं इकट्ठे होके उन्होंने रोका उसको बर्मा को मुसलमान मुसलमान का भाई होने की सिर्फ हदीस पड़ता है उसका क्यों नहीं उसको हाथ से रोक रहे अगर हुकूमतों को ताकत है ना हाँ दरअसल फरमाया ना अगर तुम्हारे में तुम देखो कोई बुराई तो उसको हाथ से रोको फिर अगर उसकी ताकत नहीं है तो ज़ुबान से रोको उसकी ताकत नहीं है तो उसके लिए कम से कम दुआई करो तो हमारे पास तो फिलहाल ना हुकूमत है ना ये ताकत है तो हम उसके लिए दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह ताल मजलूमों पर रहम करें लेकिन ये हुकूमतें हैं जिनके पास दौलत भी है और हुकूमतें भी हैं और चौवन मुल्क हैं जिसने आधे दुनिया दौ पर कब्जा किया हुआ है इन्होंने क्यों नहीं मिल के वर्मा को रोका तो ये इस लिहाज से ठीक है हम कह सकते हैं कि ये म हो रहा है मुसलमानों पे लेकिन ये स, स, ये कहना कि सज़ा है या ये, ये नहीं ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है उनके अमल क्या है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है ना किसमल की पैदाश में मिल रहा है कि नहीं पैदाइश में मिल रही है सज़ा या वाकई उन पर म हो रहा है तो मज़लूम की मदद करनी चाहिए और मुसलमान क्यों नहीं कर रहे और जब वो नहीं करेंगे अपने मजलूम भाई की मदद तो फिर ख़ुद भी वो अल्लाह ताला की पकड़ में आते हैं इसलिए बहुत इस्तफार का मुकाम है जी जी बहुत शुक्रिया जजाक जजाक अल्लाम हाँ जी सदर साहब जाकम हजूर ओके अलैक्म वरम वर्क वालेकुम सलाम वरम वर्क Those were highlights from just some of beloved Hazur's activities last weekend. We now end with a final segment, The Friday Sermon Summary. Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, continued with his series on the companions of the Holy Prophet Muhammad وسلم, in today's Friday sermon. Hazur narrated from the writings of Hazrat Muslimawd how Hazrat Umar عنه, had the desire to be martyred in the way of Allah. Hazrat जला आयत के वाला यु बदनाम बद खौफ़ हिम अमना की तस्वीर करते हुए फरमाते हैं खुलफ़ा पर कोई ऐसी मुसीबत नहीं आई जिसे उन्होंने खौफ खाया हो और अगर आई तो अल्लाह ताला ने उसे अमन से बदल दिया इसमें कोई शुबा नहीं कि हजत तो उम्र शहीद हो गए मगर तो जब वाक़ात को देखा जाता है तो मालूम होता है कि हज़त तो उम्र को इस शहादत से कोई खौफ नहीं था बल्कि वो मुतवातर दुआएँ किया करते थे कि या मुझे शहादत नसीब कर और शहीद भी मुझे मदीने में कर बस वो शख्स जिसने अपनी सारी उम्र ये दुआएँ करते हुए गुजार दी हो कि या मुझे मदीने में शहादत दे वो अगर शहीद हो जाए तो हम ये किस तरह कह सकते हैं कि उस पर एक खौफनाक वक्त आया मगर वह खुदा ताली की तरफ से अमन से ना बदला गया बेशक अगर हज़त तो उम्र शहादत से डरते और फिर वो तो शहीद हो तो जाते तो कहा जा सकता था कि उनके कोई खौफ को खुदा ने अमन से ना बदला मगर वो तो दुआएं करते रहते थे कि या मुझे मदीने में शहादत दे बस उनकी शहादत से ये क्यों कर साबित हो गया कि वो शहादत से डरते ही थे और जब वो शहादत से नहीं डरते थे बल्कि उसके लिए दुआएं करते थे जिनको खुदा ताला ने कबूल फरमा लिया तो मालूम हुआ कि उस आयद के महत उन पर कोई ऐसा खौफ नहीं आया जो उनके दिल ने महसूस किया हो और इस आयत में जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ यही जिक्र है कि खलफ़ा इस बात से डरते होंगे वो कभी वह पजी नहीं हो सकती और अल्लाह ताला का वादा है कि वो उनके खौफ को अमन से बदल देगा मगर जब वो एक बात से डरते ही ना हों बल्कि अपनी इज़्ज़त और बुलंदीत का मुझे समझते हों तो उसे खौफ कहना और फिर ये कहना कि उसे अमन से क्यों ना बदल दिया गया बेमानी बात है ये नुकता भी समझने वाला है मैं और फर्माते हैं कि मैं मैंने तो जब हजरत उमर की इस दुआ को पढ़ा तो मैंने अपने दिल में कहा कि इसका ये मतलब था कि दुश्मन मदीने पर हमला करे और उसका हमला इतनी शिद्दत से हो कि तमाम मुसलमान तबाह हो जाएं फिर वो खुले वक्त तक पहुँचे और उसे भी शहीद कर दे मगर अल्लाह ताला ने हज़रत उमर की दुआ भी कबूल कर ली और ऐसे सामान पैदा कर दिए जिनसे इस्लाम की इज्जत कायम रही चुनाचे बजाय इसके कि मदीने पर कोई बैरूनी लश्कर अमला और होता अंदर से ही एक खबीस उठा और उसने खंजर से आपको शहीद कर दिया